दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुम किसी के प्यार में पत्रलेखा चलने वाली है घटिया चाल। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि पत्रलेखा के पास नीचे से श्रुति का कॉल आता है, लेकिन सम्राट उसे बात करने से रोक देता है। लेकिन पत्रलेखा इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और उसे अब ये तो समझ आ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कि श्रुति ने यहाँ कॉल लगाया तो उसे जाकर तो मिलना ही चाहिए। जिसके बाद पत्रलेखा पहुंचेगी श्रुति के पास और वहां पर जब उसे सच्चाई पता चलेगी कि श्रुति और उसके विराट के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो भाई यहाँ पर पत्रलेखा घटिया चाल चलने की कोशिश करेगी सई और विराट को दूर करने के लिए, क्योंकि श्रुति यहाँ पर फैसला करती है कि वो सच्चाई बता देगी। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा श्रुति को भड़काने की कोशिश करेगी और ये साफ कह देगी कि वो तो कभी उसकी उसको उसने पति माना ही नहीं था और उनकी शादी तो सिर्फ एक समझौता थी जिसे टूटना ही था। और पत्रलेखा नहीं चाहती कि सई और विराट का रिश्ता जुड़ा रहे, क्योंकि श्रुति तो वैसे भी उसकी जिंदगी में नहीं है और जब सई भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो उसके बाद पत्रलेखा का रास्ता साफ हो जाएगा। और पत्रलेखा इसी घटिया चाल के बेसिस पर श्रुति को भड़काते नजर आने वाली है, लेकिन यहाँ पर उल्टी ही चाल पड़ेगी जब यहाँ पर श्रुति भी कुछ ऐसे ही सोचने वाली है कि विराट की जिंदगी से अगर सही एक समझौते वाली शादी है तो टूट ही जानी चाहिए और उसको भी अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जिस तरह से विराट उसका और बच्चे का ध्यान रखता है, तो वो हमेशा के लिए अपने बच्चे के लिए एक पिता का साया चाहती है और विराट से अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता। और श्रुति कहीं ना कहीं विराट के यहाँ पर विराट को पाने की कोशिश में इस सच को छुपाते नजर आएगी कि वो विराट की वाइफ नहीं है। तो भाई देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सच्चाई के छुपाने के बाद अब कौन सा नया तूफान आता है या फिर वो कौन सी वजह होगी जो विराट और सई को एक कर देगी।